गन्ना विकास परिषद गुलरिया चीनी मिल गुलरिया जिला लखीमपुर खीरी। जी और हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं सरदार सुरेंद्र सिंह जी और ये सरदार हरेंद्र सिंह जी और ये हमारे चीनी मिल के राजीव धामा राजीव धामा जी और ये मोटिवेटर हैं मनोज कुमार जी। और जिस खेत में देखिए हम खड़े हैं इसमें सरसों लगा हुआ है और इसमें CUL के 1401 गन्ना पौध रोपित किया बहुत गया है, बहुत पौध रोपित किया गया है। तो अब देखिए सरदार सुरेंद्र सिंह जी से पूछूंगा कि यह कब लगाया गया। तो सुरेंद्र सिंह जी बताइए ये कब लगाया गया था ये पौधा? दिसंबर दिसंबर में में। दिसंबर में तो बुआई करते तो जमाव का संकट हो जाता, जी पौधा लेकिन पौधा लग गया तो कोई लग गया, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं आई जी। अच्छा, तो सरसों उसी के साल लगा दिया था क्या? उसके बाद में वो बीज जो था पौधा लगने के बाद फिर उसको लगा अच्छा, के पहला पौध रोपित किया गया जी फिर और फिर सरसों लगाया। सरसों जी सरसों जैसे देख रहे थे हम, ये बिल्कुल दो लाइनें लग रहा है, दो ही ये लाइने है हैं जैसे इसको जब देखते हैं ना तो दो जी, लाइनें यहाँ पे अलग हो जा रही हैं। दो इसको लाइने नजदीक से हैं दिखाना, जी, ये दो दो लाइने लाइनें हैं इसमें। जी, दो लाइने हैं एक लाइन देखिए इधर हो गई, ये है। तो ये मशीन से बोया है क्या जी सरसों? जी जो फैक्ट्री ने मशीन दिया था अच्छा, उसी से बोया था जिसमें दो खुरपे जैसे थे। अच्छा, जी, दो घर से वो सिंगल वाले से बोया है, राउंड उसने दो लिए जी, सिंगल वाले से बोया, क्योंकि एक सिंगल वाला भी था एक मशीन और अलग एक वाला एक डबल डबल वाला वाला भी था, जी जी तो उससे कुछ भी बो सकते थे, चना जी भी बो सकते थे, मटर भी जी बो सकते थे। जी पहली बार और ट्रायल किया हम लोगों ने अच्छा, पहली बार ट्रायल किया, तो ट्रायल का अब तक का अनुभव आपका क्या कहता है? जी। हमको लगा कि हम लोग शुरुआत में पहले बहुत ज़्यादा बीज डालते रहे और खूब पैंतीस ज़्यादा चालीस कुंतल तो बीज डाल ही देते एकड़ में। ज़्यादा डालते रहे और सरसों भी हम लोग बहुत ज़्यादा डालते रहे। अब ये समझ में आया कि ये 1.25 किलो बीज एकड़ में लगा है सिर्फ, एक और एकड़ में सरसों का 1.25 किलो बीज लगा, बिल्कुल और गन्ने का कितना? वैसे अगर 3 फीट की दूरी रखेंगे जी और 1 फीट पे लगाएंगे तो करीब 37,000, कुछ कम, 36,963 या इसे 36,000 के आसपास लग जाते हैं। हेक्टर में हाँ, हेक्टेयर हेक्टेयर में। में हेक्टेयर में अगर ये 4 फीट पे आप दूरी रखते हैं और 1 फीट की दूरी रखते हैं तो वहाँ करीब करीब लमसम 27,000 पौधे लग जाते हैं। ठीक है तो ये वो चूंकि श्रमिक लगाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है, लेकिन एक जी मोटा मोटा जो मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, जो मैथमेटिकल फार्मूला है, जी 3 फीट पे 3 गुणा 1 पे लगाएंगे तो करीब 36,000, मतलब जी 37,000 के आसपास, और ये 27,000 के आसपास। जी सर्दी बहुत पड़ रही थी, हाँ, सर्दी पड़ बिल्कुल रही जोर थी नहीं चल रहा था, लेबर का जी। बेचारों के हाथ सुन्न हो रहे थे हाँ, इस तो वजह से सर्दी में भी देखिए पौधा जब आपने लगाया तो चल गया। अच्छा, सरसों की फसल इस बार अच्छी है, कैसे निकल रहा है इस बार सरसों? तो इस साल बहुत अच्छी निकली है। हमने लोगों के खेतों में देखा है कि 1 क्विंटल बीघा 1.5 क्विंटल बीघा तक की लाटा निकला है। जी, वो कह रहे राजेश कई किसानों ने कहा 5-6 कुंतल तक निकल आया जी एकड़ जी में वो राजेश का तो अपने बड़ी सरसों है, वो जी। 1.5 क्विंटल राजेश मिश्रा जी हैं, 1.5 क्विंटल बीघा निकली और 9 क्विंटल नहीं, निकला। गन्ने के साथ में करीब 5-6 कुंतल फिर भी निकल आया। तो अब ये जो सरसों कट जाएगी अभी, अब तो जी पक जी गई है और ये लग काली सरसों है। ये है तो काली सरसों ही हाँ, जी क्योंकि यहाँ देखा अक्सर जो है अपने यहाँ है पीली सरसों बोते हैं तो जल्दी कट जाती है वो, ये काली सरसों है। लेकिन सरसों काली सरसों का उत्पादन थोड़ा पीली से ज्यादा हो जाता है। उत्पादन पीली सरसों का ज्यादा है, लेकिन इस बार हमने सुना है कि कई लोगों के यहाँ ये जो नए बीज आए हैं वो बहुत निकले हैं काली सरसों अच्छा, के काली, वही वही इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। सरसों अच्छी है ये भी तो। लखनऊ से एक बीज लाया था अच्छा, बेटा मेरा, तो उसने कह रहा कि मैं बोऊंगा जरूर, बोते बोते हुआ तो हो गया, लेट दिसंबर लेट ही था लास्ट जी जी बिल्कुल। में। तो जरा आप हरिंदर सिंह जी आप भी बताइए, आप तो काफी अनुभवी हैं गन्ने के मामले में, ये जो पौध वाली टेक्निक है ये अच्छी है क्या? ये अच्छी तो है, वैसे सबसे बढ़िया तो सितंबर अक्टूबर वाले बढ़िया दिखाएंगे आप, हाँ हाँ सितंबर हाँ हाँ लेट अगर हो, कहीं का जाड़ा हाँ वगैरह हाँ तो हो, ये सबसे सही प्रतिकूल अगर परिस्थिति है, वो खेत वगैरह खाली नहीं है, तो है। पौध रोपण ठीक है। और खास तौर से अगर नई प्रजातियों का प्रसार करना हो हाँ तो तो ठीक उसके लिए भी बेहतर है। बेहतर है। और हमारे तो भैया ने शुरुआत की थी 15023 की, थोड़ा बोया हुआ है तो डिसम्बर में होगा, तो जी, भी आपको मिलकर दिखाएंगे, अच्छा। वो तो बहुत ही बढ़िया हुआ तो अभी देखिए जब सरसों कट जाएगी तो साफ सफाई होगी तो और भी इसमें खाद वगैरह डालेंगे तो जी तेजी जी से चले एक जी। बड़ा अच्छा लगा, आपने एक नई चीज दिखाई, क्योंकि आपने लाइन से सरसों बोया है और डेढ़ करीब ये लाइन्स वाली सिस्टम बहुत पौधा जो आप बढ़िया कह है रहे थे सवा ऊपर, दो फीट पे लगाया नहीं ये जो ये जो सीडिल से बुआई बुआई होती ये है बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छी होती ये है। हाँ बहुत जी बढ़िया सीडिल है से बुआई जी, ठीक है, ये लाइन बहुत से बढ़िया। लाइन हो जाती है इससे। नहीं चलिए, इसमें धन्यवाद सबसे बड़ी बात इसमें जी। ये है कि देखो ना कितना सिस्टम से हाँ, घिरी है ये, सिस्टम और से है, काफी लाइन से नहीं तो लगा हुआ हमारे है। कहीं मुठा गिरा दिया कहीं भगा दिया।